मौका है लेकिन आखिरी है। चलिए पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों के लिए जो भर्ती आई थी उसकी आज आखिरी डेट है भरने की। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो ज़रूर भर लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार उम्र सीमा को लेकर आंदोलन चल रहा था, तमाम चीज़ें थीं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से, शासन की ओर से कोई भी जो है आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों की एज है और वो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि क्या पता इस अगली बार आपकी जब भर्ती आए आपकी एज रहे ना रहे। तो 8 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 29th of November यानी कि लास्ट डेट आज है, 15th June 2024 को इसका रिटर्न होगा, फरवरी में इसके फिजिकल जो है स्टार्ट होंगे। हालांकि एडिट और करेक्शन का कोई भी विंडो जो है आयोग ने इस बार नहीं दी है। पिछली भर्तियों में जितने भी आयोग की ओर से आए हैं उनमें एडिट और करेक्शन की विंडो जो है दी है। अब पता नहीं क्या सोच के आयोग ने इसमें नहीं दिया, भगवान जाने, लेकिन यह है। और इसमें 10% रिजर्वेशन जो आरक्षण का था वो भी इसमें जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके ऑलरेडी केस जो है माननीय न्यायालय में चल रहा था। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में किसी भी जो मंतव्य प्राप्त बोर्ड है वहाँ से जो है आपको 12वीं पास यहाँ पर होना चाहिए, 18 से लेकर 22 साल आपकी उम्र है फॉर द जनरल कैंडिडेट। अदर फिर कैटेगरी SC ST OBC जो भी आते हैं उसमें जो रिलैक्सेशंस होते हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। हाइट की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, बाकी पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। और 78.8 जो है चेस्ट की माप है, ठीक है। बाकी और भी फिजिकल हैं जो तमाम इवेंट होते हैं, तो सबसे पहले इसमें फिजिकल होंगे जो कि आपके फरवरी में होंगे, उसके बाद जो रिटर्न होगा वो आपका जून में होगा, जो अभ्यर्थी इसमें जो है क्वालिफाई करेंगे। हालांकि अगर बात करें उम्र सीमा को लेकर तो अभी तक आयोग की ओर से ना ही शासन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया जाए कि उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। वो तो एक, क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया था एक बैठक हुई थी सचिवालय स्तर से, जिसमें ये कहा गया था कि जो हवाला दिया गया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसमें ये कहा गया था कि भर्ती के बीच में अगर एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया तो सरकार या फिर आयोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसका हवाला दिया गया था। हालांकि उसको लेकर भी तमाम अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए थे। बाकी यार अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भर लीजिए, आज अंतिम डेट है। बाकी अगर उम्र सीमा बढ़ती है तो एक बहुत अच्छी बात है, शायद फिर से कुछ अभ्यर्थियों को मौका मिले। बाकी इस खबर में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।